हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका फ्रॉम जागरण इंस्टीट्यूट. जागरण इंस्टीट्यूट जर्नलिज्म करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है. यहाँ हमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही ट्रेन किया जाता है. साथ ही जिमसी में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है. आज हमारे संस्थान से निकले हमारे एक स्टूडेंट्स अपने अपने मीडिया क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मैं भी यहाँ मास्टर्स इन टीवी जर्नलिज्म कर रही हूँ और मुझे यहाँ आकर 2 साल हुए हैं. साथ ही हमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लेकर जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो बखूबी सिखाई जाती हैं. यहाँ आकर मेरी राइटिंग स्किल्स से लेकर कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे ये उम्मीद है कि आगे चलकर यही स्किल्स मुझे मेरे मुकाम तक पहुँचाने में कारगर साबित होंगी. I am a student of advertising and public relations in GEMC. I have learned the minute details of advertising, public relations, event management and various aspects of media in GEMC. RTI is the integral part of education in GEMC which helps us in eradicating the corruption from the society. GEMC has added to my knowledge, to my personality and to my dreams and I'm thankful to GEMC for that. Hi, I'm Ashish Kumar. और मैं जिमसी में टीवी डिप्लोमा का छात्र हूँ. इस संस्थान ने मुझे मीडिया जगत में अपनी पहचान बनाने के काबिल बनाया है. टीचर्स का पढ़ाई के साथ साथ उनका फ्रेंडली एटमॉस्फियर हमें इस फील्ड की तकनीकियों को समझने में मदद करता है. इसके साथ साथ मुझे अपनी बातें लोगों के सामने रखने का हुनर भी जिमसी से मिला है. एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की बारीकियों को बेहतर से बेहतर बनाने का मौका भी मुझे जिमसी से मिला है. नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रताप सिंह है और मैं जिमसी संस्थान में पिन डिप्लोमा का छात्र हूँ. मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें बहुत बेहतर लगती हैं. पहली चीज़ आइडिया एक्सचेंज, जो न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि आपके पब्लिक स्पीकिंग को भी निखारता है. दूसरा मुझे चीज़ बेहतर लगती है गेस्ट लेक्चर, जहाँ पे मीडिया जगत की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू होने का मौका मिलता है. ये न आपको जानकारियों की वृद्धि करती है बल्कि मीडिया जगत में क्या हो रहा है इसके बारे में भी आपको अवगत कराती है. माई एक्सपीरियंस इन जिनसी हैज़ बीन वेरी एडमायरेबल. Being an APR student, we have got enough exposure to explore the world of advertising and public relations. Here, we are given specialization classes which enhances our skills. Also, the teachers are very cooperative and supporting. We have got real-time experiences of events such as Jagran Film Festival. Apart from this, we have different curricular activities which also pays attention on our overall personality development. Overall, I think it was a very wise decision to be a part of this GEMC family. My experience at GEMC has been enlightening. The past 7 months of my life have been full of new experiences and very knowledgeable. The faculty members at GEMC are very experienced and very friendly at the same time, which makes the process of learning very easy. The atmosphere here is very professional, which not only helps us academically but also trains us for the outside world. I believe my decision of coming to GEMC was the best decision of my life and I will always be indebted to GEMC. मैं GEMC में प्रिंट स्पेशलाइजेशन की छात्रा हूँ. मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है. समय समय पर होने वाले गेस्ट लेक्चर और आइडिया एक्सचेंज से मेरे जनरल नॉलेज और खबरों की समझ बढ़ी है. यहाँ हमें न्यूज लिखने के साथ साथ कई सारे सॉफ्टवेयर जैसे क्वार्क एक्सप्रेस और इनडिजाइन सिखाए जाते हैं. हम हर हफ्ते अपना खुद का न्यूज पेपर निकालते हैं. मैं इस संस्थान में पत्रकार बनने के सपने को लेकर आई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस संस्थान की मदद से मेरा यह सपना जल्द ही पूरा होगा. Everybody has their own bad first time. I also felt the same when I first joined here. But gradually I learned that the environment here is very good and friendly. I love writing and I want to be a good journalist, but I had never known how to write news before until I learned from here. Being a print student, I have learned Quark and design and many things. And to be honest, the faculties here are very friendly and helpful. Overall, this is just not about gaining knowledge.